गुड इवनिंग गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपके दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए बहुत यूनिक, बहुत ही स्पेशल रेसिपी लेके आई हूँ। तो रेसिपी है कद्दू की बर्फी। तो यहाँ पर मैंने कद्दू की बर्फी बनाई थी, उसकी फुल वीडियो है ये, देखिए मैंने प्लेट में निकाला है। बहुत ही यम्मी, बहुत ही मज़ेदार मैं बनाने वाली हूँ। तो चलिए चलते बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कद्दू को अच्छी तरीके से धो के वॉश करके उसकी सफाई करके मैंने यहाँ रख लिया था। उस वजह से मैंने यहाँ पे कटिंग कर लिया है। और अब मैं इसे ना ही क्रश करूंगी, बस इसमें कूट कूट के मैंने यहाँ पे प्लेट में निकाल लिया है। अब मैं इसका पानी गिरने के लिए मैंने सूती कपड़ा में रखा है। उसके बाद से मैंने इसको अच्छी तरीके से पानी निचोड़ दिया और उसके बाद से मैंने यहाँ पे सारा प्लेट में निकाल लिया है। ये देखिए, ये कितनी अच्छी तरीके से फ्रेश हो गई है, सारे पानी गड़ गए। मैंने कर डाला कढ़ाई में ऑयल। उसके बाद से मैंने यहाँ पे सारे कद्दू जो क्रश करके हमने रखे थे, कूट कूट के रखे थे, सब लोग तो क्रश करते हैं मगर मैंने कूटा है। इस तरीके से भी आप बनाए तो इस तरीके से बहुत मज़ेदार बनती है। तो उसके बाद से मैं इसको अच्छी तरीके से भूनूंगी, जब तक ये हल्का रेड ना हो जाए। मैं इसे अच्छी तरीके से भून भून के इसे रेड करूंगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको कद्दू की बर्फी कैसी लगती है। तो यहाँ पर मैंने सारे कद्दू को तो लगभग यहाँ पे भुना चुका है और मैं थोड़ी देर और इसे अच्छी तरीके से भून लूंगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देना देखिए, एकदम अच्छी तरीके से भुना चुका है कद्दू। और उसके बाद से मैंने यहाँ पे रखा हुआ था किशमिश, और तो मुझे ज़्यादा ड्राई फ्रूट डालना पसंद नहीं, तो मैंने नहीं डाला है, मैंने सिर्फ किशमिश डाला है। उसके बाद से मैं इसको अच्छी तरीके से लाल कर लूँगी, क्योंकि किशमिश थोड़ा कच्चा कच्चा रहता है, इसको अच्छा से लाल करना पड़ता है। तो मैंने यहाँ पर लाल कर लिया है। उसके बाद से मैंने यहाँ पर कटोरी में दूध और मलाई रखा, साथ में रखा था एक कटोरी, उसके बाद मैंने यहाँ पर डाला। अब मैं इसको अच्छी तरीके से चला चला के मैं इसे भून भून के चला चला के यहाँ पे मैंने डाला है शक्कर, लगभग 2 चम्मच, बड़े वाले चम्मच से मैंने 2 चम्मच भर भर के शक्कर डाला है। अब मैं इसको अच्छी तरीके से चलाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने डाल के रख दिया है। अब मैं इसे लगभग 10 मिनट जितना हो सके उसे तेज गैस पे मैं इसे भून लूँगी। तो बस यहाँ पे देखे ना, ये बन चुकी है, लगभग थोड़ा सा बाकी है, वो भी मैं इसे अच्छी तरीके से इसी तरीके से चला चला के मैं इसे अच्छी तरीके से भून लूँगी। कद्दू की बर्फी बहुत बहुत मज़ेदार होती है, बहुत टेस्टी होती है, एकदम मुंह में घुल जाती है। अगर इसको आप अच्छी तरीके से बनाइए ना, तो सारे मिठाई इसके आगे फेल है। तो एक बार ज़रूर आप ट्राई करिएगा इस तरीके से। आप लोग तो बहुत अपने तरीके से बनाते होंगे, मगर मेरे इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, तो बस यहाँ पे बन के रेडी हो चुकी है। तो मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ प्लेट में थोड़ा सा ऑयल डाला, ऑयल यानी रिफाइंड, वो इसको अच्छी तरीके से मैं प्लेट में चारों तरफ फैला लेती हूँ। और उसके बाद से मैं जो कढ़ाई में हमारे जो ये कद्दू के बर्फी बन चुकी है उसको मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ। और बस सारे को मैं इसी तरीके से प्लेट में निकाल के इसकी छोटी छोटी पीस में कर लूँगी। तो इसी तरीके से बराबर करके मैं इसे फैला के बराबर कर ली हूँ। और देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया, एकदम बेस्ट कलर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब मत करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।